रक्षाबंधन का त्यौहार हिंदू धर्म के बड़े त्योहारों में से एक है, जिसे देश भर में धूमधाम से मनाया जाता है। इस साल रक्षाबंधन पर्व 15 अगस्त को है। 19 साल पहले यानी 2000 में भी स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन साथ में मनाया गया था, और इस साल फिर से स्वतंत्रता दिवस के साथ भाई बहन के स्नेह का पर्व मनाया जाएगा। तो आइए जानते हैं राखी बांधने का शुभ मुहूर्त, सही तरीका, महत्व और मान्यताएं। ज्योतिषियों के अनुसार इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा नहीं है, इसलिए पूरा दिन राखी बांधने के लिए शुभ रहेगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार रावण की बहन ने भद्रकाल में उसे रक्षा सूत्र बांधा था, जिससे रावण का सर्वनाश हो गया था। इस बार राखी बांधने का मुहूर्त काफी अच्छा है। बहनें सूर्यास्त से पूर्व तक भाइयों को राखी बांध सकती हैं। सबसे पहले राखी की थाली सजाएं। इस थाली में रोली, कुमकुम, अक्षत, पीली सरसों के बीज, दीपक और राखी रखें। इसके बाद भाई को तिलक लगाकर उसके दाहिनी हाथ में राखी बांधे। राखी बांधने के बाद भाई की आरती उतारे, फिर भाई को मिठाई खिलाए। अगर भाई आपसे बड़ा है तो चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद ले। अगर बहन बड़ी हो तो भाई को चरण स्पर्श करना चाहिए। राखी बांधने के बाद भाइयों को इच्छा अनुसार बहनों को भेंट देना चाहिए। रक्षाबंधन सिर्फ त्योहार नहीं बल्कि एक ऐसी भावना है जो रेशम की कच्ची डोर के जरिए भाई बहन के प्यार को हमेशा हमेशा के लिए संजो कर रखता है। रक्षाबंधन पर्व को पुरातन काल से ही मनाया जा रहा है। ये त्योहार भाई बहन के अटूट रिश्ते, बेइंतहा प्यार, त्याग और समर्पण को दर्शाता है। इस दिन बहनें अपने भाई को कलाई पर राखी बांधकर उनकी लंबी आयु के लिए मंगल कामना करती हैं, और भाई अपनी प्यारी बहनों को बदले में उपहार देकर हमेशा उसकी रक्षा करने का वचन देते हैं। रक्षाबंधन को सलोनो नाम से भी जाना जाता है। भारत में रक्षाबंधन मनाने के कई धार्मिक और ऐतिहासिक कारण हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार रक्षाबंधन मनाने के पीछे कई कथाएं प्रचलित हैं। भविष्य पुराण की कथा। एक बार देवता और दानवों में 12 साल तक युद्ध हुआ, लेकिन देवता विजयी नहीं हुए। इंद्र हार के डर से दुखी होकर देवगुरु बृहस्पति के पास गए। उनके सुझाव पर इंद्र की पत्नी महारानी शची ने सावन शुक्ल पूर्णिमा के दिन विधि विधान से व्रत करके रक्षा सूत्र तैयार किया। फिर इंद्राणी ने उस सूत्र को इंद्र की दाहिनी कलाई में बांधा और समस्त देवताओं की दानवों पर विजय हुई। यह रक्षा विधान श्रावण मास की पूर्णिमा को संपन्न किया गया था। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।